पीसेस काट लेंगे। थोड़ी सी भुनी मूंगफली ली है, इनको दरदरा पीस लेंगे। करी पत्ता, हरी मिर्च और हरा धनिया लिया है। सबसे पहले हम कढ़ाई लेंगे, देसी घी डाल के जीरा, करी पत्ता, हरी मिर्च डालेंगे। फिर जो हमने ये आलू को छोटा छोटा कटा था, इनको थोड़ी देर भून लेंगे और ढक के पका लेंगे। ये स्टीम में आराम से, छोटा छोटा होता है तो बहुत जल्दी पक जाते हैं। जब ये पक जाएंगे तो जो हमने साबुदाने को भिगो के रखा था उसको हम डाल देंगे। इसको डालने के बाद इसमें हम नमक डालेंगे, थोड़ा सा लाल चिली पाउडर डालेंगे और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद जो हमने मूंगफली का पाउडर, मतलब मूंगफली को ग्राइंड किया था, उसका चूरा हम इसमें मिला देंगे और फिर हम इसको चला लेंगे और ऊपर से हरा धनिया बना डाल देंगे। तो ये भी बहुत जल्दी बन जाती है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। और देखिए कितनी खिली खिली बनी है मेरी साबुदाने की खिचड़ी, का एक एक दाना बिल्कुल अलग अलग था। कुछ लोग इसके ऊपर, इसमें ऊपर से नींबू भी डाल देते हैं, बट मुझे नींबू पसंद नहीं है तो मैंने नहीं डाला है। तो ये हो गई हमारी दूसरी रेसिपी। अब हम तीसरी रेसिपी भी बहुत क्विक है, इसमें भी आपको गैस जलाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हम बना रहे हैं दही फ्रूट कस्टर्ड। अपने चॉइस के सारे फ्रूट्स काट लें, दही को अच्छे से फेंट लें और इसमें हम मीठे के लिए थोड़ा सा जैगरी पाउडर, चीनी या हनी कुछ भी मिला सकते हैं। इसको मिक्स करने के बाद जो हमने फ्रूट्स काटे थे उनको इसमें मिला लेंगे। दही मेरा ठंडा है क्योंकि ये ठंडा ही अच्छा लगता है, गर्म नॉर्मल दही में अच्छा नहीं लगेगा। तो आप ध्यान रखना कि दही ठंडा है, ठंडा हो। इसको अच्छे से मिक्स करके इसके ऊपर आप थोड़े से फ्रूट्स कटे हुए गार्निश के लिए डाल सकते हैं। कुछ लोग इसमें ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। तो ये भी बनके बहुत जल्दी तैयार हो गई। इसे भी खा के आपको बहुत टाइम तक भूख नहीं लगेगी। तो ये थी मेरी 3 क्विक रेसिपी। आप कमेंट बॉक्स में बताना आपको कौन सी अच्छी लगी। तो आप ज़रूर ट्राई करना, बहुत अच्छी रेसिपीज़ हैं और दो तो बहुत जल्दी बनने वाली, हेल्दी न्यूट्रिशन से भरपूर है। बहुत जल्दी मिलेंगे एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक आप खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।